गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 107 एंड 108 ऑफ आईपीसी पे डिस्कस किया था कि अबेटमेंट क्या होता है और अबेटर। तो आज हमें उसी चैप्टर में कंटिन्यू करते हुए 108 ए से कंटिन्यू करना है सेक्शन। तो अब जो सेक्शन स्टार्ट होने वाली है वो पनिशमेंट से संबंधित सेक्शन स्टार्ट होने वाली है कि जब कोई व्यक्ति अबेटमेंट करता है किसी अपराध का तो उसको अबेटमेंट करने के लिए क्या क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो अलग अलग कंडीशंस बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। स्क्रीन शेयर कर देते हैं। ये देखिए सेक्शन 108A, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफिसेस आउटसाइड इंडिया। भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। तो इसमें एक्चुअली में जो हेडिंग है और अंदर जो पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट इसका सिंपल सा मीनिंग है। जैसा हमने सेक्शन 3-4 जब पढ़ी थी तभी हमने समझ लिया था कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात सेक्शन 108A में भी कही गई है। तो सेक्शन 3-4, 108A और सीआरपीसी की सेक्शन 188 जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखते आए हैं कि ये किससे रिलेटेड होती हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से, है ना, बाह्य क्षेत्राधिकार से संबंधित। तो उन्हीं में से ही एक है 108A। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो अपराध का दुष्प्रेरण है वो इंडिया में हो रहा है, लेकिन जिस अपराध का दुष्प्रेरण कर रहे हैं वो अपराध कमिट हो रहा है आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो अपराध कमिट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। अबेटमेंट इंडिया में कर रहे हैं लेकिन अपराध होएगा कहाँ पर, भारत के बाहर। इसलिए इस सेक्शन को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत डाला हमने। देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं 108A की। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट, लेकिन विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। क्या कह रहे हैं ये, इस सेक्शन में कहा गया है कि वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य की किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है। मतलब भारत में दुष्प्रेरण कर रहा है लेकिन कार्य कहाँ होना है, भारत से बाहर और भारत से परे, है ना, मतलब हमारी सीमाओं से, भारत की जो बाउंड्रीज है उसके बाहर जो भी टेरिटरी है वहां पर कार्य होना है, लेकिन दुष्प्रेरण भारत में हो रहा है, जो अपराध होगा यदि भारत में किया जाए। लेकिन वो अपराध का, जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया जा रहा है वो अपराध कौन सा होना चाहिए, वो अपराध होना चाहिए कि यदि वो अगर इंडिया में किया जाता तो वो अपराध होगा। मतलब आईपीसी के अंतर्गत आने वाला कोई ना कोई अपराध होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आईपीसी के अंतर्गत जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अपराध है वो किससे के बारे में बात करते हैं, इंडिया में होने वाले अपराधों के बारे में, या अदर लॉज जो इंडिया में हमारी और विधियां हैं जिनके अंतर्गत अपराध बताए गए हैं, है ना, उनके अंतर्गत कमिट होने वाला कोई अपराध का दुष्प्रेरण कोई व्यक्ति इंडिया में करता है लेकिन बाहर उस एक्ट की कमीशन करने के लिए, तो कौन सी सेक्शन लागू हो जाएगी, 108A। इसका इलस्ट्रेशन है, तो इलस्ट्रेशन में गोवा वर्ड यूज है तो आपको ध्यान रखना है। अब ये इलस्ट्रेशन हमारे काम का नहीं है क्योंकि अब गोवा कहाँ का पार्ट है, भारत का पार्ट है। इसमें देखिए आप लिखा भी है डायरेक्ट में मेरे, नाउ गोवा इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम गोवा की जगह कोई और कंट्री ले लेंगे, यहाँ पे नेपाल ले लो, श्रीलंका ले लो, है ना, अमेरिका ले लो, और इस इलस्ट्रेशन को गोवा की जगह दूसरी कंट्री में हम देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी। जो ए है वो किसको उकसा रहा है, बी को, कहाँ, इंडिया में। अ फॉरेनर इन नेपाल, जो ये बी व्यक्ति है ये है कहाँ पर, ये है नेपाल में, लेकिन ये यहाँ अपने यहाँ से बैठे बैठे उकसा रहा है। मतलब सपोज करो फोन करके उकसा रहा हूँ, है ना, फोन पे बात चल रही हो या किसी भी तरीके से, तो दुष्प्रेरण इंडिया में कर रहा है लेकिन कर किसको रहा है, बी पर्सन को, जो एक फॉरेनर है नेपाल में। टू कमिट अ मर्डर इन नेपाल, ये वो नेपाल में ही क्या कमिट करे, मर्डर कमिट करे, हत्या कार्य करे। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट अबेटिंग मर्डर, तो ए जो है मर्डर के लिए लायबल होगा। क्यों, क्योंकि 108A में कहा गया है यदि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण जिस कार्य का कर रहा है वो
कमीशन करने के लिए कर रहा है कहाँ पर, आउटसाइड द इंडिया या बियॉन्ड द इंडिया उस एक्ट को, उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो प्रेरण कर रहा है, तो वो लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए। लेकिन जिस ऑफेंस का वो अबेटमेंट कर रहा है, वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए कि यदि वो इंडिया में करता तो वो अपराध होता, विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में होता तो वो अपराध होता। ऐसे ही किसी अपराध का अबेटमेंट वो कर रहा है लेकिन भारत से बाहर कमिट करने के लिए। क्लियर, ये है आपकी सेक्शन 108A। यहाँ कोई डाउट है आपको इस सेक्शन में? क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई किया कीजिए। यस मैम। ठीक है, सभी को क्लियर है ना, संदीप जी और क्या नाम से? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे देखेंगे हम सेक्शन 109। अब यहाँ से पनिशमेंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है? अबेटमेंट के लिए दंड क्या होगा, दुष्प्रेरण का दंड क्या होगा? तो सेक्शन 109 में पनिशमेंट स्पेसिफिकली बताई है, 115 में बताई गई है, 116 में बताई गई है, और 1010, 1011 में कुछ सर्कमस्टेंसेस के साथ बताई गई है। देखते हैं, तो 109 के साथ 115 और 116 भी देखेंगे ना हम, तो सीक्वेंस में देख रहे हैं। तो 109 में क्या बताया गया है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. Section 109 में कहा है कि दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, ठीक है? तो आधी से ज्यादा चीजें तो आपको हेडिंग से ही क्लियर होगी। क्या कि पहली बात तो अबेटमेंट की पनिशमेंट की बात हो रही है, वो भी कैसे अपराध के अबेटमेंट की पनिशमेंट की बात, जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट कमिट हो गया। क्लियर, जिसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट जो है कमिट हो गया है, ऐसे अपराध के अबेटमेंट की पनिशमेंट की बात 109 में की जा रही है, और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, और आईपीसी में उस पर्टिकुलर जो अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बताया गया है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम अटेम्प्ट्स के रिलेटेड सेक्शन पढ़ते हैं, हमने पढ़ा मर्डर 302 में दंडनीय है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में बताया गया है, दंड भी बताया गया है अटेम्प्ट के लिए। अब क्या मृत्यु के लिए अबेटमेंट के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन है? अगर मृत्यु को उकसाने के लिए, मृत्यु का दुष्प्रेरण करने के लिए भी आईपीसी में कोई अलग से सेक्शन होगी तो वो वहां पे डील होगा, लेकिन यदि नहीं होगी तो वो 109 के तहत डील होगा, ठीक है? तो फिर उसको कैसे दंड मिलेगा अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बताया गया है किसी भी अपराध के अबेटमेंट करने के लिए, तो 109 में जो पनिशमेंट बताई है उस अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्या, हूएवर अबेट्स एनी ऑफेंस शैल If the act abated is committed, यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी 109 में, 109 में abated offence की ये पनिशमेंट की बात तभी हो रही है जब वो abated offence commit हो गया है ना। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया और बी व्यक्ति ने वो कर दिया, कमिट कर दिया, तब ही सेक्शन 109 एप्लीकेबल होगी, ठीक? ये चीज दिमाग में बैठा करके आप चलिएगा। जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, मर्डर के दुष्प्रेरण के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन अगर नहीं है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। क्या कहा गया है, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, मतलब उसी सेम पनिशमेंट से पनिश्ड किया जाएगा जो उस अपराध के लिए बताई गई है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण करता है जिसके दुष्प्रेरण के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पर्टिकुलर अपराध का दुष्प्रेरण करेगा तो उसको इतनी सजा मिलेगी, ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं है, तो उसको वही सजा मिलेगी अबेटमेंट के लिए जो एक्चुअल में उस अपराध के लिए, मतलब मर्डर, मर्डर के लिए क्या है पनिशमेंट कि आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति मर्डर करने का अबेटमेंट करेगा
मृत्यु करने के लिए क्या करेगा, मृत्यु करने के लिए उकसाएगा किसी व्यक्ति को, तो उसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पनिशमेंट से ही अबेटमेंट के लिए भी उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, अब इसका साथ में एक एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेट टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन और बाय पर्सन्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद द एड constituted the abatement. मतलब इसमें सिंपली बात वही बताई गई है कि जो 107 में जो हमने तीन तरीके पढ़े हैं abatement करने के, abatement उन्हीं तीन तरीकों से किया जाए और उस abatement के consequence में ही जो है act commit हुआ हो, ये simply explanation में कहा गया है। तो explanation का कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई problem create हो। ठीक है, illustration देख लेते हैं जल्दी से। illustration देखिए, A illustration. A offers a bribe to B, a public servant, as a reward for showing A some favor. खा को जो एक लोक सेवक है, खा के पदीय कृत्यों के प्रयोग में का पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में का रिश्वत की प्रस्थापना करता है। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि जो A है वो एक पब्लिक ऑफिसर है, B उसको रिश्वत देता है कि वो उसके फेवर में कुछ काम कर दे। B accepts the bribe. अब यहाँ पे खा जो है वो रिश्वत ग्रहित कर लेता है। A has abated the offense defined in section 161. तो यहाँ पर खा ने कौन सा अपराध किया जो 161 में परिभाषित किया गया है, करप्शन का। अब चूंकि 161 सेक्शन तो रही नहीं, रिपील्ड हो चुका है वो, 161 से 165 तक की जितनी धाराएं हैं वो रिपील्ड हो चुकी हैं और वो कहाँ चली गई है, करप्शन एक्ट में। तो अब वहां से ये होगा, ठीक है, तो मतलब करप्शन एक्ट में चले जाएंगे। तो याद रखना, तो जो करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो बताया गया है दंड, तो वही दंड यहाँ पर ए को मिलेगा, है ना। भले ही उसने डायरेक्ट ऑफेंस नहीं किया, उसने क्या किया, उकसाया, लेकिन उसको दंड उसी का मिलेगा। अब देखिए बी वाला इलस्ट्रेशन। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। गिविंग फॉल्स एविडेंस कहाँ बताया गया है, मिथ्या साक्ष्य देना कौन सी धारा में बताया गया है, जल्दी से आंसर कीजिए। किसे याद है, 191, ठीक है, 191, मिथ्या साक्ष्य देना 191 और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, प्रेविकेटिंग फॉल्स एविडेंस 192। कहीं पर भी कोई अपराध आता है तो तुरंत वहां पे कोरिलेट किया, क्योंकि ऐसे में हमें याद रहता है ना कि कहां पे कौन सा अपराध है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है बी को उकसा रहा है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, झूठा साक्ष्य देने के लिए। B in consequence of the instigation commits that offence, और ऐसी उकसाहट में जो है खा जो है मिथ्या साक्ष्य दे भी देता है, अपराध कमिट कर देता है। तो A is guilty of abating that offence and is liable to the same punishment as B. तो यहाँ पर क्या होगा कि का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा, मतलब तुमने खा को उकसाया कि तुम्हें फॉल्स एविडेंस देना है, तो जो फॉल्स एविडेंस देता है उसको तो सजा मिलनी ही है। सजा कहाँ मिलेगी, 191 में तो पनिशमेंट वो फॉल्स एविडेंस देना बताया गया, लेकिन पनिशमेंट कहाँ बताई गई है, 193, ठीक है। तो सेक्शन 193 में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दंड बताया गया है। तो बी को, जिस पर्सन को उकसाया है, उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए पनिशमेंट मिलेगी 193 के अंतर्गत, और वही सेम पनिशमेंट अबेटर को भी मिलेगी, ए को भी वही सेम पनिशमेंट मिलेगी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, क्योंकि आईपीसी में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, उकसाने के लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। तो जहां अलग से कोई प्रोविजन नहीं है वहां वही सजा मिलेगी जो क्राइम के लिए, ओरिजिनल क्राइम के लिए जो सजा है वही अबेटर को भी मिलेगी। तो यहाँ पे बी को भी 193 के अंतर पनिशमेंट मिलेगी और ए को भी 193 के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर। आगे एक और इलस्ट्रेशन है वो भी देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें हमें साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि ये सेम एज इट इज इलस्ट्रेशन आपके पेपर्स में जो है पूछे जाते हैं, है ना। ए एंड बी कॉन्स्पायर्स टू पॉइजन जेड। ए इन परफेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन एंड डिलीवर इट टू बी इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर इट। यहाँ क्या हो रहा है, या को विष देने का षड्यंत्र का और खा रच रहे हैं।
का उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे खा को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे या को दे दे। बी इन पर्सुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एडमिनिस्टर्स द पॉइजन टू जेड इन एब्सेंस, और खा उस षड्यंत्र के अनुसरण में यह विष का की अनुपस्थिति में या को देता है, मतलब उसने जरूरी नहीं कि उसकी प्रेजेंस में, उसकी अनुपस्थिति में दे दिया। एंड देयर बाय कॉजेस जेट्स डेथ, और उसके द्वारा या की मृत्यु कारित कर दी गई। ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी एंड इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर। तो यहाँ पर का जो है षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय होगा। तो कौन सा ऑफेंस कमिट हो गया? मर्डर का ऑफेंस कमिट हो गया, मतलब यह देखकर मारने की बात की गई थी, मर्डर करने की प्लानिंग की गई थी, तो मर्डर की अबेटमेंट का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन आईपीसी में नहीं है, तो ये लायबल किसके लिए होंगे? मर्डर के लिए ही होंगे। क्लियर? कोई डाउट है सेक्शन 109 में? सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है मैम, एक बार 109 कहता क्या है बस वही बता दीजिए, मैं लेट से ज्वाइन हुआ मैम। हाँ, मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, तुम वहां से कंटिन्यू कर लेना अभी। ठीक है, देखो 109 में इंपॉर्टेंट केस लॉज जो है वो भी देख लीजिए। 109 में इंपॉर्टेंट केस लॉज है ये दो, तो कभी अगर एग्जाम में पूछे तो लिख लीजिए आप लोग भी। मुन्नू स्वामी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। एक है शेषा अय्यर वर्सेस वेंकट सुब्बा चेट्टी 1924 का है ये केस, आप लिख लीजिए इसको। ये दो केस लॉज है, इसको मेंशन कर लीजिए। तो ये जो सेकंड वाला केस लॉ है शेषा अय्यर वाला, इस केस में ये कहा गया था कि द सेक्शन ओनली लेज डाउन दैट इफ सेपरेट पनिशमेंट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट फॉर एन अबेटमेंट देन इट वुड बी पनिशेबल विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ओरिजिनल ऑफेंस। मतलब इसमें वही जो सेक्शन का सार है वही चीज इस केस में बोली गई। शेषा अय्यर वाले में क्या कहा गया है कि ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होती है जब किसी अपराध के अबेटमेंट के लिए कोई सेपरेट पनिशमेंट आईपीसी में नहीं बताई गई है, तो है ना, तभी जो है जो अबेटर है उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट बताया गया है उससे ही दंडित किया जाएगा। ये बात शेषा अय्यर में बोली गई है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, आप बताइएगा इसमें क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इलस्ट्रेशन है एक, ए वॉज वेटिंग फॉर डी एट रोड साइड। ए एक व्यक्ति है जो डी का रोड के किनारे इंतजार कर रहा है। ठीक, पॉइंट समझ में आया? ए एक व्यक्ति डी का इंतजार कर रहा है रोड के किनारे खड़े होकर। बी एंड सी फॉलोड डी ऑन बाइसाइकिल। बी और सी डी का पीछा कर रहे हैं साइकिल से। डी वॉज ऑल्सो ऑन साइकिल, डी जो है वो भी साइकिल पर है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ए व्यक्ति रोड के किनारे खड़े होकर डी का इंतजार कर रहा है, बी और सी डी का पीछा कर रहे हैं साइकिल से, डी भी अपनी साइकिल पर है। डी वॉज ऑल्सो ऑन बाइसिकल, ए बी एंड सी स्टॉप्ड डी। अब इन तीनों ने मिलकर के डी को रोक लिया, जो ए रोड के किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहा था, बी और सी जो डी का पीछा कर रहे थे, इन तीनों ने मिलकर के डी को रोक लिया। एप्रीहेंडिंग डेंजर डी स्टार्टेड रनिंग फॉर लाइफ, पर खतरा देखकर डी जो है अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। बट वॉज ओवर पावर्ड बाय ए एंड बी, लेकिन ए और बी के द्वारा अतिरिक्त शक्ति का उपयोग करते हुए रोक लिया जाता है। मतलब बी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ए और बी जो है उसको रोक लेते हैं। देयर आफ्टर ए एंड बी हेल्ड हैंड्स ऑफ डी, उसके बाद ए और बी दोनों डी के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। एंड ऑन बीइंग एग्जॉर्टेड बाय ए, और ए के कहने पर हाथ पकड़ लेते हैं ए और बी, और फिर ए जो है थर्ड पर्सन होता है सी से, उससे बोलता है कि आप इसको मारो। ए टू स्टेप डी द थर्ड एक्यूज्ड सी, ठीक है, ए जो है सी से कहता है कि हमने इसके हाथ पकड़ लिए हैं, इसको आकर के मारो। और सी इंफ्लिक्टेड ब्लोस विद अ नाइफ ऑन सम वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डी, और सी ए के कहने पर डी की बॉडी पर कुछ वाइटल पार्ट्स पर जो है उसको चाकू से वार करता है।
Injuries were caused to vital organs like chest and partial regions, resulting in death. तो जो घाव होते हैं डी को, उसके कारण से डी की मृत्यु हो जाती है. From the facts and circumstances, अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन किस चीज के लिए liable है. और एक्चुअली हुआ क्या? ए एंड सी जो है दोनों दुष्प्रेरण का रहे हैं. जो ए जो कर रहा है मैम, बाय द इंस्टिगेट, अरे बाय द एडिंग से कर रहा है. और सी तो इसमें डायरेक्ट है ही है. बाकी मैम बी भी बाय एडिंग से होगा. बी भी क्या कहते हैं, दुष्प्रेरण का वो होगा. संदीप आप बताइए, आपको क्या समझ में आया? मैम 109 और 34 के मैम होंगे वो पनिशमेंट करेंगे. इस इलस्ट्रेशन को बताओ सीधा-सीधा, इस सामान्य आशय क्या समझ में आया? तीनों किस चीज के लिए लायबल है, क्या किया है इन्होंने, कौन सी वाली तरीके से अबेटमेंट कर रहे हैं? सहायता से कर रहे हैं मैम, सहायता से. श्वेता मृत्यु दिन के लिए मृत्यु. ठीक है श्वेता, तुम बताओ. मैम एक तो दुष्प्रेरण का तो है ही, और साथ में ये षड्यंत्र का है, क्योंकि तीनों मिलकर कर रहे हैं. क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि वो उसी टाइम एट द टाइम है ना उनके बीच में चीज हुई हो. एक षड्यंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण हुआ है, और सेकेंडली उनको पनिशमेंट मिलेगा 109 के अकॉर्डिंग डेथ का. आई थिंक पहली चीज तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि ए बी और सी के बीच में षड्यंत्र है. भाई क्रिमिनल कहाँ उस पे थी, सहायता कहाँ से बीच में आ गया? ए रोड के साइड खड़ा होकर के डी का इंतजार कर रहा है, डी और सी उसका साइकिल से पीछा कर रहे हैं, और ए बी सी मिलकर की फिर उसको रोक लेते हैं. मतलब क्या हो रहा है कि ए पहले से एक पॉइंट तक खड़ा होकर रोड की साइड में इंतजार कर रहा है. मतलब इन लोगों की पहले से प्लानिंग है ना कि तुम लोग पीछा करते आना और मैं आगे साइड खड़ा हूँ, जैसे ये आएगा तो मैं इसको आगे से रोकूंगा और तुम लोग जो है फिर इसको पीछे से पकड़ लेना. और यही यहाँ पर हुआ. तो ये ए बी और सी की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, सबसे पहले तो ये समझिए. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये सभी मिलकर के इन लोगों ने डी को मारने की क्या की थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की थी. ठीक है, थ्री अपीलेंट्स मस्ट हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी फॉर किलिंग डी एंड पर्सुएंट देयर टू ए वेटेड एट द स्पॉट. और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस पे ए जो है उस स्पॉट पे खड़े होकर इंतजार कर रहा था. ठीक है, इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर इंतजार करना है डी का, जैसे आएगा तो आगे से रोक लेना. तो इस पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में, मतलब उसके अनुसरण में, ए स्पॉट पे खड़े होकर इंतजार कर रहा था जबकि बी और सी उसका पीछा कर रहे थे बाइसिकल पर. ऑल ऑफ देम चेज्ड डी एंड व्हेन He was overpowered by A and B. He inflicted injury on being ordered by A. और जब इन तीनों ने मिलकर के पकड़ लिया, तो A के order पे C ने उसको चाकू घोंपना शुरू कर दिया. In the facts and circumstances of the case, it cannot be said that the act of C was merely his individual act. तो इस act को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो act था murder करने का, वो सिर्फ अकेला C का था. C का तो नहीं था, क्योंकि A ने बोला मारो इसको, तब सी ने मारा. ठीक है, तो ये सी का अकेले का एक्ट नहीं था. इट वॉज हेल्ड दैट दिस इज अ केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. ये समझना बहुत जरूरी. अगर ये इलस्ट्रेशन दे दिया, पूछ लिया तीनों प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में से कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, तो ये थी कौन सी वाली, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. ठीक है, दुष्प्रेरण कौन सा वाला था, ये षड्यंत्र द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. हाँ, तो इट वॉज हेल्ड दैट दिस इज द केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इन विच ऑल द थ्री कॉन्स्पिरेटर्स वर प्रेजेंट, जिसमें तीनों कॉन्स्पिरेटर प्रेजेंट भी है एट द मोमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है तीनों का, और देयरफॉर सी वाज गिल्टी ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302 एंड ए एंड बी वर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 रीड विथ 109. तो तीनों को मर्डर का पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि तीनों षड्यंत्र के द्वारा अबेटमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना. सी ए के कहने पर सी ने चाकू मारा, तो अगर ए के कहने पर मारा तो ए को यदि हम अबेटर भी मान ले, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि जिस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए कोई एक्सप्रेसिव प्रोविजन नहीं है, तो उसी अपराध से पनिश किया जाएगा जो उस अपराध. तो यहाँ पर मर्डर हुआ है, तो ए बी और सी तीनों 302 के अंतर्गत मर्डर के लिए लायबल होंगे.
ये जो फैक्ट्स थे ये मैम यहाँ पर आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये बोल रहा है सेक्शन 34 भी तो अप्लाई होगा। 34 हाँ 34 देखो कॉमन इंटेंशन और ये सब चीजें तो फिर साथ में चलती ही है, ये सब चीजें तो साथ में चलेंगी ही, लेकिन ये पर्टिकुलर केस लॉ जो था ना ये इस पे था, ये कौन से वाले केस लॉ के फैक्ट थे, ये मुन्नू स्वामी के, ठीक है ध्यान रखना मुन्नू स्वामी एंड अदर्स, ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि यही फैक्ट जो है एग्जाम में इलस्ट्रेशन बना के पूछ लेते हैं, यही आपसे पूछ लेंगे, और आप अगर उनको देखो कॉमन इंटेंशन और इन सब चीजों पे पूछना होगा तो अलग चलेगा, लेकिन यहाँ पे बात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की हो रही है ना, कॉमन इंटेंशन तो है ही, पहले से प्लानिंग की है तो कॉमन इंटेंशन तो है, गिल्टी माइंड है, सब है, लाइबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र रचा इसलिए पर्टिकुलरली 120A 120B अलोंग विद 109 और 302 क्योंकि मर्डर हुआ तो ये सब धाराएं लगती है, है ना। तो अभी हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, तो हमें वो पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन किस बिहाफ से देखना है, एग्जाम के बिहाफ से, अभी कि हमसे अगर पूछा जाएगा तो ये कहाँ पूछा जाएगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से, और पनिशमेंट से पूछा जाएगा तो पनिशमेंट पूछ लेगी किस पनिशमेंट से पनिश किया जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए बी सी तीनों इसके लिए होंगे लाइबल मर्डर के। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम, आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 1010। नेट वो स्लो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 1010। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट With different intention. दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है 1010 में, सेक्शन 110 में ये बताया गया है कि यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरण करने वाले दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से अगर दुष्प्रेरण करता है तो क्या होगा, है ना। इफ देखिए पढ़ते हैं, whoever abates the commission of an offence, if the person abated does the act with a different intention or knowledge from that of the abater, be punished with the punishment provided for the offence which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with no other। क्या कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्ट कमिट करने का अबेटमेंट किया गया है वो एक्ट तो कमिट किया है अबेटेड पर्सन ने, लेकिन डिफरेंट इंटेंशन और डिफरेंट नॉलेज के साथ। जो इंटेंशन एंड नॉलेज अबेटर का था वो अबेटेड व्यक्ति ने उसी इंटेंशन और नॉलेज के साथ नहीं किया, तो भी तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा। कौन, अबेटर की बात हो रही है अभी, अबेटेड पर्सन की बात नहीं हो रही कहीं पर भी, ठीक है। इस सेक्शन में किसकी लाइबिलिटी की बात हो रही है, अबेटर की, दुष्प्रेरक 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 की, है ना, जिस व्यक्ति ने अबेटमेंट किया है, तो वह उसी दंड से दंडनीय किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। तो इनका सीधा सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो अबेटर होता है, अबेटर जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए अबेटमेंट करता है, और अबेटेड पर्सन कोई और इंटेंशन से वो एक्ट कमिट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अबेटर को तो उसी पनिशमेंट से पनिश्ड किया जाएगा जिस ऑफेंस का अबेटमेंट उसने किया है। अब अबेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने किस आशय और ज्ञान से किया, उसने किसी भी आशय और ज्ञान से उस अपराध को कमिट किया हो, उससे दुष्प्रेरक की लाइबिलिटी पर, अबेटर की लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ए ने बी को उकसाया था सी का मर्डर करने के लिए, सी ने मर्डर ही किया लेकिन किसी और आशय से किया,
हो सकता है ए का मर्डर करने का आशय दूसरा हो, बी का मर्डर करने का आशय दूसरा हो, तो आशय डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए को मर्डर की ही पनिशमेंट मिलेगी अबेटमेंट करने के लिए। ये चीज हम ऑलरेडी कहां पढ़ चुके हैं, हमने कल ही पढ़ा है, कहां पढ़ा है, 108 के तीन, यस 108 के एक्सप्लेनेशन तीन। तो ध्यान रखना जो सेक्शन 110 है वो कनेक्टेड है 108 के एक्सप्लेनेशन थ्री से, जहां पर बिल्कुल क्लियरली कहा गया है 108 के एक्सप्लेनेशन थ्री में कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबिटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और दैट ही शुड हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज एज दैट ऑफ द अबिटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका सेम इंटेंशन था या नहीं था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका इंटेंशन था भी कि नहीं था, अगर उस पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर के उसने वो एक्ट कमिट कर दिया तो अबेटर जो है उस अपराध के अबेटमेंट के लिए दोषी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सेम पनिशमेंट होता है यदि डिफरेंट इंटेंशन से। हाँ बोलो, एक्ट यदि डिफरेंट होता है तब क्या होगा, मतलब इंटेंशन तुम पता दो कदम आगे भागते हो, बता तो रहे पहले, अभी इस चीज पे तो फोकस करो, अभी डिफरेंट इंटेंशन की बात हो रही, नेक्स्ट सेक्शन में डिफरेंट एक्ट भी आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ फोकस करो डिफरेंट इंटेंशन। ठीक है, डिफरेंट इंटेंशन में क्या होता है, डिफरेंट इंटेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट इंटेंशन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, अबेटर को उसी के लिए पनिशमेंट मिलना जिसके लिए उसने जो जो ऑफेंस उसने प्रोवोक किया था, जिस ऑफेंस को उसने दुष्प्रयोग किया था। ठीक है, चलो अब बताते हैं तुम्हारा डिफरेंट एक्ट, आ जाओ भैया डिफरेंट एक्ट पे। सेक्शन 111 ये बात करती है डिफरेंट एक्ट की कि अब भैया जिस ऑफेंस को करने के लिए कहा गया था वो ऑफेंस तो आपने किया नहीं, कोई दूसरा ही एक्ट कमिट कर दिया तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, liability of abettor when one act abetted and different act done। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्ट डिफरेंट हो गया तब भी क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी वही पनिशमेंट मिलेगी सेम जिसका आपने दुष्प्रेरण किया है। दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, तो when an act is abetted and a different act is done, the abettor is liable for the act done in the same manner and to the same extent as if he had directly abetted it। तो अब क्या कहा गया है इसमें, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, मतलब कार्य कोई दूसरा कर दिया गया है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य को दुष्प्रेरण किया है। मतलब अब यहाँ पर ये होता है कि हमने काम बोला था चोरी करने का और तुमने चोरी के साथ साथ क्या कर दिया, कुछ और भी कर दिया, तो जो तुमने कुछ और कर दिया है ना उसके लिए भी लायबल हो जाएगा अबेटर, अगर उसी सेम मैनर और सेम एक्सटेंट में, जैसे मानो उसने उसी कार्य का अबेटमेंट किया है जो कार्य उस व्यक्ति ने कर दिया है, अबेटेड पर्सन ने। लेकिन इसके साथ ये कब होगा, प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन और द एड और इन परफेक्शन ऑफ कॉन्स्पिरेसी व्हिच कंस्टिट्यूट द अबेटमेंट। लेकिन ये कब होगा, परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। यहाँ पर सिंपली इनका कहने का मतलब ये है 111 में इनका प्रिंसिपल जो है वो ध्यान देखिए, इस सेक्शन पे बेस्ड प्रिंसिपल क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये लिखिए प्रिंसिपल, सेक्शन 111 जो है वो इस सिद्धांत पर आधारित है दैट एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड
द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. यह एक उदाहरण है कि व्यक्तियों के कार्यों का स्वाभाविक परिणाम ही उसका अर्थ है. मतलब यदि आपको पता है कि जो कार्य आप करने के लिए सामने वाले को उकसा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जो कार्य आप उकसाने वाले हैं उसका परिणाम क्या होगा. बहुत संभाव्य है कि ये तो होना ही है साथ में. आप किसी को बोलो कि किसी के घर में जाके तुम कह रहे हो कि तुम किसी के घर में जाओ, उसका घर का दरवाजा तोड़ो और जाकर के चोरी करो, और साथ में तुमने उसको क्या दे दी, बंदूक दे दी चोरी करने के आशय से. तो तुमने उसको उकसाया है चोरी करने के लिए और साथ में तुमने बंदूक भी दी है. तो उसका बिल्कुल सीधा सा आशय है, मतलब तुम्हें पता है कि अगर तुमने उसको बंदूक देकर हाथ में उकसाया है तो पूरी पूरी संभावना है कि जब वो चोरी करेगा और उसको कोई चोरी करने से रोकेगा तो वो बंदूक चला सकता है और सामने वाले का मर्डर भी हो सकता है. तो ये कैसी, क्या है ये, स्वाभाविक परिणाम है उसके एक्ट का. तो ऐसी कंडीशंस में जहां कॉन्सिक्वेंस जो है बिल्कुल नेचुरल है कि ऐसा हो सकता है, पूरी पूरी संभावना है, तो अगर वहां पे मर्डर हो गया तो यहाँ पे जो अवेटर है उसको लाभ नहीं मिलेगा कि हमने तो सब चोरी करने के लिए उकसाया था, मर्डर के लिए थोड़ी उकसाया था, तो हम मर्डर के लिए कैसे लाइबिलिटी. नहीं, आपकी लाइबिलिटी मर्डर के लिए ही होगी क्योंकि बिल्कुल नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है. तुमने बंदूक लेके हाथ में भेजा था तो उसका आपसे क्या निकल के आ रहा है. तो उपधारणा क्या है कि व्यक्तियों के जो कार्यों का जो स्वाभाविक परिणाम निकल कर आता है वही आशय माना जाता है. तुम्हारा इंटेंशन ही था मर्डर क्रिएट करवाने का, इसलिए तुम्हारे लिए जो चार्ज लगेगा वो भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर का लगेगा. ठीक है, ये बात इसमें बोली गई. तो ये प्रिंसिपल याद रखना कि ये कौन सी सेक्शन पर आधारित है, 111 पर, कि व्यक्तियों के कार्यों का स्वाभाविक परिणाम ही उसका आशय माना जाता है. एवरी मैन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट. ठीक है, अब जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है तो लेकिन प्रोवाइजो में क्या कहा है, तो वो ध्यान रखना है कि जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है तो वो कब माना जाएगा. तो लेकिन ये तभी होगा प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब इन्फ्लुएंस में हो, और आपने जो एक्ट कमिट किया है ना वो इंस्टिगेशन द्वारा हो, सहायता द्वारा हो, या काउंसिलिंग द्वारा किया गया हो. वही तीन प्रकार से जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो. ठीक, अब जो ये जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अधिसंभाव्य परिणाम, ये क्या होगा. तो इसके लिए एक केस लॉ है, गिरिजा प्रसाद, चाहे तो आप लिख सकते, मेंशन कर सकते, गिरिजा प्रसाद 1934 का ये केस है. ठीक है, इसमें अलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है इसको बताया है, समझाने की कोशिश की है कि क्या होगा. तो देखिए क्या कहा है हाईकोर्ट ने. इलाहाबाद हाईकोर्ट हेल्ड दैट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट इज वन विच इज लाइकली और विच कैन रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू फॉलो फ्रॉम सच एक्ट. इन्होंने कहा है कि जो ये हिंदी में क्या टर्मिनोलॉजी, अधिसंभाव्य परिणाम. हाँ, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जो अधिसंभाव्य परिणाम है वो ऐसा कार्य का परिणाम है जिसको, जो कार्य किया जा रहा है उससे बिल्कुल रीजनेबल तौर पर पता चल रहा है, मतलब युक्त है उस कार्य के किए जाने से, कि एक्सपेक्टेड है पूरा कि हाँ अगर हम ये कार्य बोलेंगे तो पूरा पूरी संभावना है कि ये कार्य जब किया जाएगा तो ये कार्य तो हो सकता है, पूरी पूरी जहाँ पर संभाव्यता होगी रिलेटेड, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है. लेकिन अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज प्रोबेबल वन. लेकिन जो जिसका दूर दूर तक एक्सपेक्टेशन नहीं है कि यार हमने करने को तो कुछ और काम बोला था और इस तरीके से उकसाया भी नहीं था कि ऐसा कार्य हो सकता था, तो अगर अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल भी कि ऐसा नहीं हो सकता था तो फिर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है. तो ये अनएक्सपेक्टेड वाले के लिए आप क्या, कौन सा इलस्ट्रेशन देख सकते हो, इसका इलस्ट्रेशन बी देखते हैं. देखिए इसके जो इलस्ट्रेशन है वो समझते हैं. पहले देखते हैं ए वाला इलस्ट्रेशन. ए वाला इलस्ट्रेशन जो है मेन सेक्शन 111 पे है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस पे. ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है ए वाले में. ठीक है, तो पहले ए वाला देखते हैं. ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस. एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है
और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। यहाँ पर क्या हुआ, एक बच्चे को उकसाया जहर देने के लिए और उसको जहर दे दिया। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। अब भाई वो बच्चा है तो भी तो पूरी पूरी संभावना है कि वो छोटा बच्चा है तो वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। तो द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ बाय व्हिच इज बाय द साइड ऑफ दैट ऑफ जेड। तो जेड के साइड में बाय की प्लेट रखी थी, वो बच्चा जो है बाय की प्लेट में जो है डाल आया। हियर इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, अगर यदि वह बच्चा जो है शिशु जो है वो काफी उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस उत्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और जो एक्ट बच्चे के द्वारा किया गया है वो द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, देन ही इज लाइबल इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही हैड इंस्टिगेटेड द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इन टू द फूड ऑफ जेड। तो यही माना जाए बाय यही माना जाएगा कि उसने जेट को मारने के लिए नहीं बाय के भोजन में जहर मिलाने के लिए ही बच्चे को उकसाया था। ठीक, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस। अब देखिए बी वाला इलस्ट्रेशन अपोजिट, यहाँ पर बताया गया है कि किस चीज को प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं मानेंगे, है ना। इस इलस्ट्रेशन में क्या है कि यहाँ पे अधिसंभाव्यता नहीं है। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेट्स हाउस, हा को या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है। अब यहाँ पे किस चीज के लिए उकसाया जा रहा है कि भैया तुम घर जलाया हो जाकर। बी सेट्स फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर, खा उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वह संपत्ति की चोरी भी कर लेता है। अब देखो आग लगाना और चोरी करना बिल्कुल डिफरेंट एक्ट है ना, उसका कॉन्सिक्वेंस भी कहीं से कहीं तक नहीं है। आग लगाने को बोला था तो आग लगाने में चोरी करना कहीं से कहीं तक मेल नहीं खाता। तो ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not a probable consequence of burning. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि का यद्यपि ग्रह जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस ग्रह के जलाने का अधिसंभाव परिणाम नहीं थी। तो यहाँ इस सेक्शन में 111 में जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो एक्ट का अबेटमेंट कर रहे हैं उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऐसा नहीं है तो आप उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होगा, फिर व्यक्ति लायबल नहीं होगा जो एक्ट कमिट हुआ है उसके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। अब देखिए इसका लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, ए इंस्टिगेट्स बी एंड सी टू ब्रेक इनटू एन inhabited house at midnight for the purpose of theft, for the purpose of robbery and provides them with arms for that purpose. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, खा और गा को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है। यहाँ पे का जो है वो उकसा रहा है किसको, बी और सी को, कि आधी रात में किसी के घर में क्या करो, ग्रह भेदन करो लूट करने के लिए और उनको इस प्रयोजन के लिए आयुध भी देता है, आर्म्स भी दे रहे हो तुम साथ में। हा और गा वह ग्रह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बी एंड सी ब्रेक इन टू द हाउस एंड बींग रेसिस्टेड बाय जेड, जेड के द्वारा रोके जाने पर उनमें से एक जो इनमेट्स होता है वो जेड का मर्डर कर देता है। हियर इफ दैट मर्डर वॉज द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, ए इज लाइबल फॉर द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर। तो यहाँ यदि हत्या का दुष्प्रेरण, हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय किया जाएगा। तो रॉबरी तो ठीक है, हत्या के लिए भी फिर इसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो जो एक्ट डन हो जाता है, जो एक्ट हो जाता है उस एक्ट के लिए एक ही कंडीशन पे अबेटर पे लायबल होता है यदि वो उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक, तो बस यही याद रखना है इसमें 111 में। क्लियर हुआ या डाउट है अभी कोई सेक्शन 111 में? नो मैम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही,
कल से स्टार्ट करते हैं 112 से, ठीक है? ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू. गुड नाइट. गुड नाइट मैम. बाय बाय.